हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम एज प्रॉमिस्ड कि हम कंपैरिजन करेंगे दो वेरी पॉपुलर गिटार के बीच में। एंड सो वन इज दिस न्यूवुड फ्लाई डीसी मॉडल और दूसरा है हुआ रेस का आरपेजियो, एंड बोथ आर ड्रेडनॉट कटअवे 41 इंचेस गिटार। सो बिल्कुल अगर आप देखेंगे सो दे बोथ लुक ऑलमोस्ट सिमिलर, बट कुछ स्पेसिफिकेशंस मटेरियल इनमें दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सो वो मटेरियल स्पेसिफिकेशंस में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर मटेरियल से बना हुआ है, प्लस इम्पॉर्टेंटली कि ये दोनों में से कौन सा बेटर साउंड कर रहा है, प्राइसिंग क्या है, कौन सा आपको लेना चाहिए। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई थिंक दिस वीडियो कैन बी वेरी हेल्पफुल व्हाइल यू चूज वन ऑफ दीज गिटार्स। ऑलराइट, सो मेरे ख्याल से तीन पैरामीटर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इनको जज करने के लिए। सबसे पहला इनका लुक, आई थिंक लुक मेरे ख्याल से इतना इम्पॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है। लुक में मेरे ख्याल से दोनों बहुत ही अच्छे दिखते हैं। सेकंड पैरामीटर है जो इनका मटेरियल स्पेसिफिकेशंस है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है गिटार को बनाने में। प्लस इसका बिल्ट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि दोनों का बिल्ट कैसा है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पैरामीटर सबसे इम्पॉर्टेंट आई गेस इज द साउंड। दोनों का साउंड कैसा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बजने में अच्छा है। स्ट्रिंग्स वगैरह तो मटेरियल स्पेसिफिकेशन में आते हैं, बट फाइनली मतलब साउंड करने में कौन सा अच्छा है, कौन सा बजने में अच्छा है, किसका ओवरऑल साउंड अच्छे से निकल के आ रहा है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो पैरामीटर नंबर वन, आई थिंक दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, ये लुक के ऊपर है। सो लुक, लुकिंग वाइज, लुक वाइज आई थिंक इसमें और भी कलर्स आते हैं, चाहे वो हुआ रेज है चाहे वो न्यू वेज है, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो जो भी कलर्स आपको पसंद है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, बट अदरवाइज लुक वाइज अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों ही बहुत अच्छे गुड लुकिंग गिटार्स हैं। आप इसके मटेरियल स्पेसिफिकेशन में आते हैं जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो मटेरियल स्पेसिफिकेशन सबसे पहले हम न्यूवुड का चेक करेंगे और एक एक मटेरियल स्पेसिफिकेशन हम कंपेयर करेंगे। सो नंबर वन इसका न्यूवुड का अगर हम देखेंगे तो ये 41 इंच फुल लेंथ गिटार है। इट्स अ 41 इंच गिटार और ड्रेडनॉट शेप का गिटार है अगर आप देखेंगे फ्रंट में, प्लस इसमें कट है। सो इट्स अ 41 इंच ड्रेडनॉट कट अवे गिटार। और अगर हम हुआरेज में आएंगे, हुआरेज आरपेजियो मॉडल में, तो ये भी एक 41 इंच का गिटार है और ये भी ड्रेडनॉट कट अवे गिटार है। सो दैट्स द नंबर वन मटेरियल स्पेसिफिकेशन में कि दोनों ही ड्रेडनॉट कट अवे 41 इंच की गिटार है और दैट्स वाई हम इसको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो ये एक स्पेसिफिकेशन है जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और सेकेंड स्पेसिफिकेशन है इसका जो टॉप है ये लिंडन वुड का बना हुआ है, न्यू वुड का, और इसका जो बैक है, इसका जो साइड है, ये बेस वुड का बना हुआ है। सो ये वुड मटेरियल होता है। सो आई थिंक इस रेंज की गिटार, मैंने पहले भी बोला था कि 5000 6000 की रेंज की गिटार में जनरली चाहे वो केडेंस है चाहे वो वॉल्ट है या फिर इसी रेंज के सिमिलर गिटार्स है, वो ऑलमोस्ट इसी मटेरियल स्पेसिफिकेशन से बनते हैं। सो इसका टॉप अगेन ये भी स्प्रूस का टॉप है, बट इसका बैक एंड साइज ये इन्होंने हर लिस्टिंग में डिफरेंट मेंशन कर रखा है अमेजोन पे। सो समटाइम्स इन्होंने रोजवुड लिखा है बैक एंड साइड में, कई बार इन्होंने लिंडन लिखा है, पर आई थिंक फॉर मी आई थिंक जनरली इस रेंज में लिंडन वुड ही ज़्यादा यूज में आता है। सो टॉप इज स्प्रूस एंड बैक एंड साइड इज लिंडन वुड। अब हम आते हैं इसके फ्रेट बोर्ड पे। नाउ दिस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इसका जो फ्रेट बोर्ड है, जो वुड जो यूज हो रहा है इस फ्रेट बोर्ड में, ये प्रॉपर रोज वुड नहीं है, इट्स अ इंजीनियर्ड रोज वुड। इसमें रोज वुड में कुछ मिक्सचर भी होता है और फिर ये रोज वुड बनता है। सो दिस इज इंजीनियर्ड रोज वुड, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी रोज वुड ऑल्सो इसको कहते हैं। बट हुआरेज में ये प्योर रोज वुड है। आप इसका फ्रेट बोर्ड हो चाहे इसका ब्रिज हो, ये दोनों ही रोज वुड का है। और इसका टेक्नोलॉजी फ्रेट बोर्ड है और इसका भी टेक्नोलॉजी रोज वुड का वुड है, ये चाहे ब्रिज का हो चाहे वो फ्रेट बोर्ड का है। सो दोनों इज इट्स अ टेक्नोलॉजी रोज वुड एंड दिस इज अ प्योर रोज वुड। सो ये एक डिफरेंस है दोनों में। अब हम बाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो बाइंडिंग है यहाँ पर आप देखेंगे, इट्स अ यू नो मल्टी कलर बाइंडिंग और क्रीम बाइंडिंग बोलते हैं इसको। सो सिमिलरली इसका भी क्रीम बाइंडिंग है इसमें भी हुआ रेस में। तो ये बाइंडिंग भी सेम है, इसका रोजेट एंड इसका भी रोजेट
दे बोथ लुक गुड. इसमें आप ये अगर देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रैच प्लेट है, सो ये एक ऑप्शनल इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है, और इसमें स्क्रैच प्लेट नहीं है. तो आप कभी कभी ये न्यू वुड आपको प्रोवाइड भी करता है स्क्रैच प्लेट अपने गिटार्स के साथ में, सो वो आप लगा सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन हैव अ स्क्रैच प्लेट पुट डाउन, या फिर आप ले भी सकते हैं, शॉप से मिल जाता है, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, 100-150 रुपीज का स्क्रैच प्लेट आता है. सो अब नेक्स्ट जो है इसका ट्यूनिंग गियर्स, दोनों ही डाईकास्ट के ट्यूनिंग गियर्स देखने को मुझे देख रहे हैं. दोनों गिटार्स में आप देखेंगे तो डाईकास्ट के ट्यूनिंग गियर्स हैं. सो डाईकास्ट के ट्यूनिंग गियर्स दोनों ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, गुड क्वालिटी के होते हैं. सो मटेरियल स्पेसिफिकेशन ये दोनों के थे. सो बाकी स्ट्रैप पिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं न्यू वुड का, तो यहाँ पर भी हुआ इसका स्ट्रैप पिन है, और एंड पिन भी दोनों में लगा हुआ है. और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कि दोनों ही ये प्योर अकूस्टिक गिटार है, बट इसके साथ न्यू वुड के साथ आपको अकूस्टिक प्लस एक पिकअप भी इसमें लगा हुआ है, जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक पिकअप लगा हुआ है, आप अगर जूम करके देख लें. सो ये आपका सेमी अकूस्टिक गिटार के जैसा भी काम करेगा. सो इट्स टच पिकअप, नॉर्मल पिकअप है, बट स्टिल यू कैन प्लग इन, और छोटे मोटे शोज में आप इसको यूज कर सकते हो. ये एक इसका एडवांटेज है. सो ये एक मटेरियल स्पेसिफिकेशन था दोनों का. आई थिंक बाकी सब चीज़ों में दोनों बहुत ही सिमिलर है, बट इसका फ्रेट बोर्ड मुझे ज़्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू न्यू वुड. फ्रेट बोर्ड एंड ब्रिज दोनों वुड मटेरियल इसका बेटर है एज कम्पेयर टू न्यू वुड. और इसका जो एडवांटेज है वो ये कि एज अ सेमी अकूस्टिक भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पिकअप है और इसमें नहीं है. और अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका प्राइसिंग क्या है. सो इसका प्राइसिंग तो जनरली अमेजोन पे फिक्स रहता है 5799 विद एक्सेसरीज आपको मिलता है, और एक्सेसरीज में भी सब कुछ मिल जाता है आपको. बैग मिलता है, स्ट्रैप मिलता है, स्ट्रिंग मिलता है, प्लस इसके साथ आपको फिंगर प्रोटेक्टर मिलता है. बट ऑन द अदर हैंड साइड हुआरेस के साथ आपको ज़्यादा एक्सेसरीज देखने को मिलता है. इसके साथ बैग, इसके बाद स्ट्रैप है, स्ट्रिंग है, प्लेक्ट्रम्स है, प्लस इसके साथ आपको ट्यूनर एंड ऑल्सो यू गेट अ गिटार का फ्लोर स्टैंड भी आपको साथ में मिलता है. तो इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया, दोनों गिटार्स के डिटेल वीडियोज़ बनाया, आप जाके चेक कर सकते हैं. सो आई विल शेयर द यू नो लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो एंड चेक. अगर डिटेल में दोनों गिटार्स को देखने हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. सो एक्सेसरीज ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा है, इसमें आपको हुआरेस में ज़्यादा एक्सेसरीज देखने को मिलेगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्राइसिंग. सो प्राइस इसका फिक्स है 5799 अमेजोन पे, जनरली इसी प्राइस पे आपको देखने को मिलेगा. बट हुआरेस में मैंने देखा बहुत अप एंड डाउन है प्राइस में. समटाइम्स यू गेट दिस गिटार फॉर 4000 ऑल्सो, एंड समटाइम्स यू गेट दिस फॉर 5000. अभी आज मैं देख रहा था 5700 में भी है, कभी आपको ये 6500 में भी है. सो अगर आपको ये गिटार हुआरेस का 5000 या 5500 तक मिलता है, आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन हुआरेस. अदरवाइज अगर ये 6000 प्लस में जाता है, विच इज़ अबाउट 6500 रुपीज के आसपास, अगर आपको मिलता है 6000 प्लस एनीथिंग, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर न्यू वुड. एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों गिटार्स में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट विल बी द साउंड. अब साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं साउंड किसका अच्छा है, सो दैट इट विल हेल्प अस टू मेक अ फाइनल डिसीजन कि कौन सा गिटार हमें लेना चाहिए. Oh.
गाइस फाइनली हमने उसको बजा कर देख लिया, दोनों को पैरेलली बजा कर देखा है, दोनों का साउंड चेक करा है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज ऑब्वियसली द साउंड. सो साउंड वाइज आई थिंक वी हैव अ विनर. आई थिंक इट्स हु आर इज आर पे जो गिटार साउंड्स बेटर देन न्यू वुड. बट हैविंग सेड दैट, ये तो मेरा ओपिनियन है, प्रॉब्ली यू माइट नॉट अग्री टू दिस, बट आप अगर आपको लेना है सो आई थिंक दिस वीडियो कैन हेल्प यू टू चूज, बिकॉज साउंड कई लोगों को यू नो आप हो सकता है इस टाइप का साउंड पसंद आए. ये थोड़ा सा मुझे ब्राइट लगा इसलिए मैं थोड़ा सा इसको प्रेफर कर रहा हूँ. एंड स्ट्रिंग्स मुझे इसकी भी बेटर लगी थोड़ी, ORS की स्ट्रिंग्स जो इसमें लग के आ रही है, ये कहते हैं एलिस की स्ट्रिंग ये लगाते हैं और इसमें आई थिंक न्यूवुड की स्ट्रिंग्स लग के आती है. सो बट अगेन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि इसको चूज करना है तो प्राइसिंग भी देखनी है. सो अगर ये बहुत ज़्यादा, अगर आपको 7000 के आसपास 6500 के आसपास मिलता है तो आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर दिस गिटार, बिकॉज ये 5700 में आपको ये गिटार मिल जाता है. बट अगर ये 5500 से कम में मिलेगा अगर आपको, देन यू कैन ऑब्वियसली मेक योर डिसीजन. आई थिंक 4500 5000 वुड बी वेरी वेरी गुड प्राइस फॉर दिस गिटार. ORS के 1800 2000 रेंज के में भी गिटार आते हैं, 2000 रुपीज़ वाले गिटार्स भी आते हैं. वो गिटार मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कभी भी. वो प्लास्टिक ब्रिज होता है, उसमें प्लास्टिक के फ्रेट बोर्ड्स होते हैं, दोज आर नॉट एट ऑल गुड गिटार. ट्रस्ट रॉड नहीं होता है. ये दोनों गिटार्स में डुअल एक्शन ट्रस्ट रॉड है, कभी भी एक्शन इसका ख़राब होता है आप इसको आराम से हम इसको एडजस्ट करके ठीक कर सकते हैं गिटार्स को. सो गिटार वैसे तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं. एंड सो इट्स योर चॉइस कि आपको प्राइसिंग भी देखनी है. और इसका प्लस एडवांटेज ये है, न्यूवुड का ये सेमी कुस्तिक भी एज अ काम करता है, तो कभी कभी आप इसको एज अ सेमी कुस्तिक भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको परफॉर्मेंस में यूज़ कर सकते हैं. सो एक इसका एडवांटेज है. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 5700 का ही प्राइस है और ये अगर 6500, क्योंकि इसका प्राइस बहुत वेरी करता है, ये 6900 का भी था कुछ दिन पहले. सो अगर प्राइस में डिफरेंस ना ज़्यादा है तो आई थिंक ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर न्यूवुड. बट अगर इसका प्राइस कम है, 5000 तक का प्राइस है, आई थिंक यू शुड गो फॉर ORS. सो दिस इज माई फाइनल वर्डिक्ट. और नाउ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आई थिंक सजेशन कि अगर आप थोड़ा और स्पेंड कर सकते हैं, सो आई वुड यू नो एडवाइज यू टू यू नो गो फॉर यामा F280. बहुत ही अच्छा गिटार है. उसमें मैं कोई यामा की तरफ से कोई मेरा वो नहीं है, मैं नाइदर फ्रॉम न्यूवुड या किसी ब्रांड की तरफ से मैं आई डोंट टॉक, बट यामा के गिटार्स आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड गिटार्स. उनके जल्दी से उनके फ्रेटबोर्ड्स ख़राब नहीं होते, साउंड बहुत अच्छा आता है, आफ्टर सेल्स में जो सर्विसेज होती है उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है यामा में. प्लस एक बहुत अच्छा आइबनेज ने भी एक गिटार लॉन्च किया है, उसका मॉडल है V40 करके. सो बहुत जल्दी वो गिटार्स भी मेरे पास आने वाले हैं, आई थिंक आई विल मेक दैट रिव्यू ऑल्सो. वो आप गिटार देख सकते हैं. फिर आपको कॉर्ड का AF500 भी अगर देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं. बट दोज आर यू नो वेरी वेरी गुड ब्रांड्स. इनके यू नो रिसर्च डेवलपमेंट सब कुछ होता रहता है तब जाकर वो गिटार्स बनते हैं. दोज आर बिग ब्रांड्स, यामा, कॉर्ड, फेंडर, आइबनेज. सो अगर आप स्पेंड कर सकते हैं 7500 के आसपास, यू शुड गो फॉर दीज काइंड ऑफ गिटार, जैसे यामा का F280 है, आइबनेज का V40 है, एंड ऑल्सो कॉर्ड का AF500 वगैरह है. सो दैट्स इट फॉर द रिव्यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वेरी गुड डे.